गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हूँ विनोद सिंह, आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम फोकल लेंथ का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का। पिछले लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ का फॉर्मूला ड्राइव किया था, तो सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकल लेंथ हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। माना यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से एक रेज गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इसके ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल, तो क्या होगा, ऐसे वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ले जाएंगे ऐसे जो कि रिफ्लेक्शन के बाद वापस आ जाएगा इसी पाथ पर, है ना। तो इसी पाथ पर वापस आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा, यानी कि सी से पास होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल होता है, है ना, जो रेस सी से पास होता है तो उसी पाथ से वो वापस भी आ जाता है रिफ्लेक्शन, है ना। तो अब अंदर तो जाएगा नहीं रेस, क्योंकि ये तो मिरर है। तो अगर हमने रेज डाली और ये रेज उसी रास्ते वापस आ गई, तो इसका मतलब अगर मैं इसको अंदर बढ़ाऊंगा तो ये पक्का सी से होते हुए जाएगी, ये होता है। अच्छा, अगर पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रेज आ रही है, तो अगर वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे आ रही है, तो ये समझ लो अगर मैं इसको अंदर मिलाऊंगा तो ये फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये दोनों रेज इस साइड तो नहीं मिलेंगी, है ना, तो इसलिए हमने अंदर मिलाया है, तो ये रेज यहाँ पर मिली है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा, ठीक। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका नाम ए डैश बी डैश रख देते हैं। अच्छा, ये हो गया पोल, है ना। अब यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं हम, सबसे पहले इमेज की डिस्टेंस लेंगे ये वाली, तो ये हो जाएगा आपका भी डिस्टेंस, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, ये हो जाएगा भी, फिर पोल से फोकल लेंथ की दूरी स्मॉल एफ, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होता है आपका आर। अच्छा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ले लेंगे, ये इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसको माइनस यू ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब जो ये रेज ये वाली थी, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, इसको ले लेते हैं हम एम और इसको लेते हैं एन, ठीक। अब हम दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो कौन कौन से ट्रायंगल ले रहा हूँ तो देखेंगे, एक तो हो गया ए बी सी, और बीच में आ रहा है ए डैश बी डैश, इन दो ट्रायंगल को, ये 90 ये 90, यानी कि ये 90 और ये 90, ये देखो ये वाला ए बी सी, ये वाला, और ए बी सी के अंदर ये वाला ट्रायंगल भी है ए डैश बी डैश सी, तो ये बना दिया, इन दोनों को सिमिलर करूँगा। तो कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले देखो 90 90, और ये एंगल कॉमन है दोनों का, इसका भी है, छोटे वाले का भी है और बड़े वाले का भी है, तो दो एंगल बराबर हो गए तो ये एंगल खुद ही बराबर हो जाएगा, तो तीनों एंगल बराबर हो गए तो बाय ए ए ए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनके साइडों का रेशियो इक्वल होता है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। अब इस ट्रायंगल का बेस, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ए सी और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस ए सी डैश, इसका ए सी, ये हो गया इक्वेशन वन। सिमिलरली क्या करेंगे, अब दो और ट्रायंगल लेंगे अलग अलग, देखना कौन कौन से ले रहे हैं, ये हो गया एम एन बी डैश ए डैश और ये हो गया सी, ये वाला है एम एन एफ, सॉरी एफ लेंगे एफ, है ना, सी उधर चले जाएगा, ये जाएगा एफ, यानी कि एम एन एफ,
एम एन एफ, इसके अंदर ये वाला भी है देखो ए डैस बी डैस एफ, तो ये हो जाएगा। ये भी सेम सिमिलर होंगे है ना, जैसे वो हुए 90 90, ठीक है। और ये एंगल कॉमन है, तीसरा खुद बराबर हो जाएगा, ठीक। तो बाई ए ए बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर, आप लिख सकते हो। सिमिलर होंगे तो कैसे, एम एन एफ सिमिलर टू ए डैस बी डैस एफ हो गया। तो साइडों का रेशियो बराबर, तो इसका परपेंडिकुलर बट्टे इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर बट्टे है, और इसका बेस एन एफ और इसका बेस क्या है ए डैस। तीसरा ये हाइपोटेनस का भी रेशियो बराबर होगा, लेकिन हाइपोटेनस का रेशियो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हमने सिर्फ दो लिया है। अच्छा अब देखो एम एन बराबर मैं ए बी लिखने वाला, क्यों देखो ये दो लाइन पैरेलल है, तो एम एन और ए बी बराबर होंगे, क्योंकि पहला लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एम एन की जगह ए बी बट्टे ए डैस बी डैस बराबर एन एफ बट्टे क्या हो जाएगा ए एफ, इक्वेशन टू। अब देखो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का क्या है, लेफ्ट हैंड क्या है बराबर है, यानी कि ये इधर और ये इधर सेम है, तो इनका क्या हो जाएगा राइट हैंड भी सेम हो जाएगा। तो बाय इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर, सॉरी इनका राइट हैंड साइड बराबर, यानी कि ए सी बराबर ए डैश सी इज इक्वल टू एन एफ बराबर बटे ए डैश एफ, ये इक्वल हो जाएंगे। अब इनकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखेंगे एसी, एसी कहाँ है, ये है एसी, एसी ये है पूरा, एसी क्या होगा माइनस यू प्लस इसको ऐड करेंगे, ये पूरा है ना एसी, तो इसको प्लस इसको, यानी कि एसी क्या आ जाएगा माइनस यू प्लस आर, ठीक है, अपॉन एसी सॉरी ए डैश सी, ए डैश सी ये है ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस ही ये वाली, समझो ना ये, तो ये वाली डिस्टेंस कब आएगी जब इसमें से ये वाला माइनस कर दूंगा, इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो बचा वाला आएगा ए, तो ये कितना है आर माइनस बी ये वाली इज इक्वल टू एन एफ, एन एफ ये है एन एफ ये वाली, तो ये वाली दूरी एन एफ, तो जो एफ है वो तो पी से एफ की दूरी है, पी एफ कितना है आर सॉरी एफ, तो एन और पी को जो n और p की डिस्टेंस है बीच में, इसको हम नेग्लेक्जिबल मानते हैं, यानी कि एन एफ को मैं पी एफ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत छोटी होती है डिस्टेंस है ना, यहाँ पर बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि वरना हम समझ नहीं पाएंगे। तो एन एफ बराबर पी एफ, तो पी एफ कितना है f, तो आ गया f अपॉन क्या है a डैश f, a डैश f कहाँ गया a डैश f, ये वाली डिस्टेंस, तो वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, ये माइनस ये करूँगा तो ये बच जाएगा, यानी कि f माइनस भी ये आ जाएगा, ठीक हो गया। अब R क्या होता है आपको पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का दुगना होता है, यानी कि R जहाँ जहाँ R है वहाँ हम 2F रख देंगे, तो ये 2F हो गया अपॉन ये भी 2F होगा 2F माइनस बी इज इक्वल टू F अपॉन F माइनस बी, ये हो गया, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इरेज कर देते हैं, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले माइनस यू से करो इसको, तो माइनस यू एफ, फिर भी को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस यू भी हो गया इज इक्वल टू, अच्छा सॉरी इससे भी करेंगे टू एफ से करेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस टू एफ स्क्वायर, फिर टू एफ से पीछे वाले को भी करेंगे तो माइनस टू एफ भी हो गया। अब इसको करेंगे तो बराबर बराबर आ जाएगा, क्या जाएगा एफ से इसको करेंगे तो ये होगा टू एफ स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस भी इंटू एफ माइनस भी एफ आ गया, तो टू एफ स्क्वायर से टू एफ स्क्वायर कट गया, तो इन दोनों को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा इस साइड ओनली भी यू, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस यू एफ हो गया, उसको उधर ले जाएंगे वो भी प्लस टू एफ भी और यहाँ माइनस एफ भी आ गया। अच्छा यू भी इज इक्वल टू यू एफ तो ऐसे ही रहेगा, ये देखो एफ भी माइनस भी एफ, तो वी एफ को मैं एफ भी लिख सकता हूँ, इसको आगे इसको पीछे, तो
टू एफ भी में से एक एफ भी माइनस हो गया, तो कितना आ गया, एक एफ भी बचेगा, हो गया। आप क्या करेंगे, यू भी एफ से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो यू भी एफ, यहां भी यू भी एफ, यहां भी यू भी एफ, तो यहां यू भी से यू भी कटा तो बचा वन अपॉन एफ, यहां यू से यू, एफ से एफ, वन अपॉन भी, यहां भी से भी, एफ से एफ, वन अपॉन यू। तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ फोकल लेंथ, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो इसी प्रकार से हमने कॉनकेव मिरर के लिए भी निकाला था पिछले लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, फोकल लेंथ निकालेंगे कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का, लेंसों का, ठीक है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थैंक यू।